कि ज्ञान घटे ज्ञान घटे खाली संगति से और रोष घटे। मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, सुनिएगा। कि ज्ञान घटे खल संगति से और ज्ञान घटे और रोष घटे मन के समझाए। प्रीति घटे नित मागन से, प्रीति घटे नित मागन से और नीर घटे ग्रीष्म ऋतु आए। कि पाप किए ते पुण्य घटे, पाप किए ते पुण्य घटे और रोग घटे कछु औषधि खाए। नारी प्रसंग से जोर घटे, नारी प्रसंग से जोर घटे और यमत्रास घटे हरि कीर्तन गाए। यमत्रास घटे हरि कीर्तन गाए। बड़े बड़े हाथ से आए टल गए। लोगों ने हमसे पूछा कि दीक्षित जी इतनी बड़ी चोटें खा के आपने कीर्तन गाना फिर शुरू कर दिया, कई बार मरते मरते बच गए। आइएगा, वो बात नहीं ले रहे हैं। बात यह है कि आज हमारी बिटिया कमलेश हमको बब्बा बब्बा कहके चिढ़ा रही थी और एक गीत गा रही थी। इतने बब्बा थोड़ी हैं। अच्छा, एक गीत गा रही थी बिटिया। क्या समझते कि हम इस बुढ़ापे गा नहीं पाते क्या? मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, कुर्बान है मेरी नाज।
नाजुक कली, ओ मेरी नाजुक कली कि मेरी गुड़ की डली, आजा ये माला पहले डाले बोल राजी बोल जा। एक बढ़िया बात लाई है, जवाब साधु कह रहे थे कि जिसने गांजा नहीं पिया उन लड़कों से तो लड़कियां भली हैं। हो सकता है हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बेटा अगर हंसी भी करो मंच पे तो भी समाज को कुछ शिक्षा मिल जाए। देखो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हंसी भी आ जाए एक शिक्षा मिल जाए। मंच में हमारी संस्कृति सबल होती रहे। आज के जमाने को देखते हुए जो भी लड़का घर से बाहर पढ़ने को जाता है जब लौट के आता है दो चार दस साल में तो सोचने लगते हैं कि अब किसके बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ हो गई होगी। जब लौट के आता तो जितनी दाढ़ी मूछ थी वो भी साफ चली जाती है। देखिए हमारा मानना हमारी संस्कृति ये कह रही है, चाहे राणा प्रताप हो या अमर सिंह हो, अगर उम्र है अगर जवानी पर प्रवेश किया कुमारावस्था तक तो ठीक है क्योंकि दाढ़ी मूछ होती नहीं है। वो ही है मर्द असली, वही है मर्द असली जिसके की मूछ है, वही है मर्द असली जिसके की मूछ है, मूछ वालों की होती सब जग में, मूछ वालों की सारी दुनिया में पूछ है कि मर्द हो के ना मर्द जैसा लगता जिसके की होती मुछना, कि मर्द हो के भी मर्द नहीं लगता जिसके की होती मुछना, मुछ होना तो तुच्छ उसको समझो है उसके पास। मर्द हो के ना मर्द जैसा लगता जिसके ना होती मुछना, जो मुछ हो ना तो उसको तुच्छ समझो है उसके पास। मर्द हो के ना मर्द जैसा लगता कि जिसके
बहुत लोग ये कहने लगते हैं कि भगवान कृष्ण के, भगवान राम के मूछ नहीं थी क्या, वो मर्द नहीं थे? मैं उन भैया लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि थोड़ा अध्ययन करके ये देखिएगा कि राम ने भले ही 10,000-11,000 वर्ष राज किया हो, लेकिन उनकी अवस्था कौमार्य अवस्था से कभी आगे गई ही नहीं। जैसे सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये चारों सतयुग में पैदा हुए आज भी हैं, लेकिन उनकी उम्र आज भी केवल 5 ही वर्ष की है। आदरणीय हमारे भैया राकेश, भैया राकेश सिंह जी की ओर से ये माल भी है और सुगंधित पुष्पों की माला भी है, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया श्री जी जयवीर सिंह जी गौतम कुआं वालों की ओर से ये माला भी है और भेंट भी है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय हमारे अनुज श्री राजेंद्र अवस्थी जी रतन, जो कि एक अच्छे कलमकार हैं, इस समय कीर्तन जगत में अपनी कलम को बहुत नुकीले अंदाज में चला रहे हैं, इस समय रचनाकार कर रहे हैं कमलेश्वरी कंचन के साथ, हमारा भार कम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी ओर से माला और माल दोनों भी हैं, मेरी ओर से कोट को शुभकामनाएं हैं और ये भगवान से प्रार्थना भी की हमारे बुंदेलखंड का नाम आप जैसे होनहार लोग रोशन करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि एक बात बहुत अच्छी सुनने को मिली, कल